कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष शो आयुर्वेदा एकेडमी को और करें अपने आयुर्वेदा पीजी एंट्रेंस टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, पीजी स्कॉलर, शल्य तंत्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। टुडे इन द कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चन वी आर अगेन विद न्यू टॉपिक यंत्र एंड शास्त्र शल्य तंत्र। यंत्र एंड शास्त्र इंपॉर्टेंट फॉर AIPGT 2022। यंत्र आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन सुसु संहिता सिक्स टाइप्स, स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। स्वास्तिक यंत्र मे बी कोरिलेटेड विद द क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट, संदंश यंत्र डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, ताल यंत्र स्कूप्स, नाड़ी यंत्र ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट, शलाका यंत्र लाइक प्रोब लाइक इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरी इंस्ट्रूमेंट मे बी कोरिलेटेड विद द उपयंत्र। दीज आर द इमेजेस विच मे बी आस्क फॉर आइडेंटिफिकेशन। All these six images are related with the swastik yantra and may be correlated with the forceps. Next is sandans yantra, those which have firm grip over the shalya or those which hold the shalya very strongly. These are 16 angul in length and two types, sanigraha or anigraha. Sanigraha ko hum correlate kar sakte hain tooth forceps se aur anigraha ko correlate kar sakte hain non tooth forceps se. Forceps are also known as non locking forceps, grasping forceps, thumb forceps or pickups. And used for grasping tissue or object. These are two type, tooth or non-tooth. Tooth means sanigraha or non-tooth means anigraha. Next is talyantra. Talyantra are 12 angul in length, shaped like talu of fish. These are two type in Ayurveda, ek tal or dvital. Talyantra can be correlated with the scoop. Scoop with one dip on either of one end is correlated with the ek tal and lip on bilateral or both the end is known as dvital yantra. Ek tal yantra ear scoop se correlate kar sakte hain to clean the ear wax from ear canal and dvital yantra ko hum Vokasman scoop se correlate kar sakte hain. Iska jo use hota hai wo scoop ka, wo cavity ko, ulcer bed ko, granulation tissues ko clear karne ke liye, clean karne ke liye, ya different type of scoops are present on either. Next is nadi yantra. Nadi yantra are hollow tubular instruments. They are open either one end or both end, used for extraction of foreign substance from different sutras of body, also used for diagnostic purpose or for inspection of disease in the canals or srotas. These may be correlated with the Bhagandhar yantra, proctoscope, endoscope, speculum, rectoscope, cystoscope, oroscope or laparoscope. Yantra name Bhagandhar yantra, prayog gudgat rog. This is may be correlated with the Kelly proctoscope. This may be correlated with the Kelly proctoscope. इसका जो यूज होता है वो विजुअलाइज द एनल कैनाल और डिजीज रिलेटेड टू द एनल कैनाल लाइक हेमरॉइड, फिस्टुला, फिशर एंड ऑल्सो यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ क्षार. यंत्र नेम इज सूचिका. दिस कैन बी कोरिलेटेड विद द सिरिंज और कैनुला एंड इट्स यूज इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन और इंजेक्शन और फॉर डायग्नोस्टिक सैंपल कलेक्शन पर्पज. नेक्स्ट इज बस्ती यंत्र और मृदु प्रकाश यंत्र. मॉडर्न में इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं फोलीज कैथेटर से. इसका जो प्रयोग है वो उत्तर बस्ती या फिर हम इसको ड्रेन द ब्लैडर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी और डिलीवर द मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द ब्लैडर. नेक्स्ट इज शलाका यंत्र. गंडू, पद्मुख, सर्पफण, सर्पुंखा, बड़ेश, ये चार मेन शलाका यंत्र हैं. तो इनका कोरिलेशन है गंडू पद्मुख. गंडू पद्म इज केंचुआ लाइक अर्थवॉर्म. तो गंडू पद्मुख को ब्लंट इंस्ट्रूमेंट विद द एंड शेप लाइक द हेड ऑफ अर्थवर्म. इसको हम ईशन कर्म में यूज करते हैं और इसका जो कोरिलेशन है वो ब्लंट प्रोब से कर सकते हैं. ब्लंट प्रोब का यूज होता है वो मेनली फिस्टुला, कैविटी या फिर साइनस ट्रैक्ट को ईशन कर्म करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज सर्पुंखमुख. द एंड ऑफ दिस शलाका इज लाइक लीव ऑफ सर्पुंखा एंड यूज फॉर चलन कर्म. इट मे बी कोरिलेटेड विद द टूथ एक्सट्रैक्टर या टूथ एलिवेट. नेक्स्ट सर्पफण मुख. द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ दोज लाइक द हुड ऑफ ए स्नेक. दीज आर यूज फॉर व्यूहन कर्म. कैन बी कोरिलेटेड विद द रिट्रैक्टर्स. रिट्रैक्टर्स आर यूज फॉर होल असाइड टिश्यू टू एक्सप्लोर डीपर स्ट्रक्चर. दीज आर मेनी टाइप्स. सम आर लाइक दिस वन इज द डेवर रिट्रैक्टर, दिस वन इज वेटलैनर, दिस वन इज डोइन.
Retractor are used for abdominal surgery or retract the tissue aside to leaking the operative cavity. Next is Buddy's hook. The tip of Buddy's hook salaka resemble a fine fishing hook. These may be correlated with the hook instruments like hook scissor, nerve hook or dural hook. Next salaka yantra is Carpus grat usnis ya Carpus salaka. These are 6 in number. One end of salaka is covered with carpus or cotton. These are used for wiping or modern अगर हम इसको कोरेट करें तो इसको स्वैब प्रोब से कोरेट कर सकते हैं जिनका यूज होता है पस कल्चर पेप्सिमिया नेजल स्वैब ओरल स्वैब्स के लिए. नेक्स्ट इज अंकुश वदन. दीज आर ऑल्सो 3 नंबर. इट हैज द शेप ऑफ एन एलिफेंट ड्राइवर गोल्ड. बोथ जाम्बव एंड अंकुश वदन आर यूज फॉर अग्निक्रम. कैन बी कोरेटेड विद द अग्निक्रम शलाका और द कॉटरी. नेक्स्ट इज करपत्र. द वर्ड करपत्र मीन्स that which look like the projecting fingers. Measurement 6 angul. Edges are rough and serrated almost similar to a saw. It is also used for chedan and lekhan and also used for asthi chedan. Can be correlated with the bone saw to cut small and large bone. Next is vriddhi patra. Two types, achityagram, pratyagram. Both are 7 angul in the length in which handle should be of 5 and half angul. Used for chedan and bedankaram. Can be correlated with the scalpel or curved bistari. Scalpel are used for making incision, tissue dissection and variety of surgical. Next is Utpal Patra. The blade of Shastra look like similar to petal of Utpal. It has got a sharp edge, Praman 6 angul, blade 3 angul long and 1 angul broad. Used for Chedan, Bhedan, incision. Utpal Patra may be correlated with the lancet or needle. Lancet used for blood test to test blood sugar level and needles may be used for inject drug under the skin or IVIMSCID. Next is Ardhadhar. The Shastra is called Ardhadhar because half of length of Shastra is sharp and rest of half is blunt. Also known as Vakradhar, iska jo Ayurveda mein pramana bataya hai wo 8 angul lamba, 2 angul iska chaudai bataiye. It is a type of knife, can be correlated with the blade. Next is Suchi. Suchi are the suturing needle which mainly used for Visravan and Sivan Karma. Ayurveda mein 3 types hain, Vrat, Trikonak, Dhanurvakra. Allopathy mein ya modern mein iska correlate karenge to ye straight half curve, half 1/4, 3/8, 1/2 circle. Aise aise karke iske circle ke according, iske lambai length ke according iske many types hain. Iska jo use hota hai general closure of skin, subcutaneous tissue, ophthalmic, plastic ya any type of surgery mein suturing ke liye iska. नेक्स्ट है सरारी मुख. सरारी मुख शस्त्र को हम कोरिलेट कर सकते हैं सीजर्स के साथ. सरारी इज अ बर्ड विद लॉन्ग बीक एंड शस्त्र विच रिजेंबल सरारी इज नोन एज सरारी मुख. दीज आर ऑल्सो नोन एज करतरी एंड इसका प्रमाण है 12 अंगुल. इसका प्रयोग करते हैं विश्रावण या एक्सटेंशन ऑफ इंसीजन मेड बाई उत्पल यंत्र एंड अनदर यंत्र और शस्त्र. इसका यूज करते हैं कट टिश्यू एट द सर्फेस और इन साइड द ह्यूमन बॉडी. सो इन द लास्ट these are scalpel used for initial incision and cutting the tissue consist of a blade and a handle. Surgeon offer refers to instrument by its blade number. So this one is 10 number blade used for large size incision and this one is 11 number blade used for precise or sharply angled incision. This one is 15 number blade, smaller version of 10 number blade used for making finer incision. These all are sharari or kartari correlated with the scissor. This one is myo scissor used for cutting the sutures or heavy tissue. This is lighter scissor known as marginbum scissor used for cutting delicate tissue or blunt dissection also called as merge in the practice. This one is Pott's scissor, fine scissor used for creating incision in blood vessels. This one is Irish scissor. So in the last, I would like to say only, don't stress, do your best, forget the rest, and all the best for your exam AIAPGET 2022. Thank you.